एंड देन दे बोले कि ये रही स्क्रिप्ट. आई वाज लाइक क्या? कहते आपका सीन लगने वाला है थोड़ी देर में, अपना सीन पढ़ लो, आपका दिव्यांका त्रिपाठी के साथ पहला सीन है. मैं लुक टेस्ट के लिए गई और उन्होंने मेरा लुक टेस्ट किया, मेरा मेकअप किया, मुझे रेडी किया एंड आई स्टार्ट टू शूटिंग. वहां पे दिमाग में आ गया बस बालाजी और एकता कपूर. जब हम लोग गए थे वहां पे, हमारे पास रहने की कुछ जगह नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के घर पे हम लोग रहे थे. लिटरली गद्दे बिछा के नीचे हम लोग रहे थे. और मैंने बाय द वे सीआईडी भी किया है. सीआईडी सावधान इंडिया, प्यार तूने क्या किया. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इनिशियली तू चीजें बाय करके इतना मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया. Oops, लाइट चली गई. उसके बाद मैंने शूट वूट किया, सब कुछ किया एंड देन आई थिंक आफ्टर 15-20 डेज शो खत्म होने के बाद भूख लगी थी. मैकडी में गए एंड मैकडी में जब भी हम लोग खाना खाने बैठे, माय फ्रेंड वाज लाइक इज दैट यू, स्क्रीन पे मुझे ऐसे पॉइंट करके बोलती है. एंड आई वाज लाइक हां ये तो मैं हूं. एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी, ये तो टीवी वाली लड़की, टीवी वाली लड़की. बस वो बोलते हैं ना कि टीवी का जो चस्का लगता है ना, जो फेम का चस्का लगता है आपको. देन आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सही है, लाइक यू नो पीपल दे नो मी and they wanted to photo, you know, click photo with me and all. मैंने कहा यार ये तो बहुत मजा आ रहा है करके. उसके बाद फिर I think after a month or so, रात के 12 बजे एक मेरे उसी सेम फ्रेंड ने जो मुझे ऑडिशन के लिए लेके गया था, he was like कि एक सीरियल है करेगी. I was like कि इतनी भी कोई अच्छी एक्टिंग आती नहीं है, मतलब एक वो एड कर ली गलती से मे भी. तो he was like नहीं नहीं अभी ऑडिशन भेज. रात को 12 बजे ना मैंने बाल बनाए, ना मैंने मेकअप किया, एक लिप बाम लगाया और ऑडिशन रिकॉर्ड करके दे दिया. सुबह सुबह उसका 9 बजे मुझे फोन आता है कि अपने दो तीन कपड़े पैक करके आ जाओ, नोएडा में शूट है. नहीं ऑडिशन वो है, लुक टेस्ट है. मुझे नहीं पता था लुक टेस्ट वुक टेस्ट क्या होता है क्या नहीं. मैं लुक टेस्ट के लिए गई और उन्होंने मेरा लुक टेस्ट किया, मेरा मेकअप किया, मुझे रेडी किया एंड आई स्टार्ट टू शूटिंग. एक्चुअली मेरा 10 डेज का ही था कैरेक्टर, कैमियो था. But they liked it so much. It was for Jhalli Anjali. Channel भी में आता था and my character was Sheena. Negative character था. So they all were like, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो मुंबई जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए. As like मुंबई चली जाऊंगी but मैं तो किसको जानती नहीं हूँ. तो they were like बालाजी है ना एकता कपूर, आप वहाँ जाओ audition दो. एंड बस वहाँ पे दिमाग में आ गया बस बालाजी और एकता कपूर. उसके बाद फिर मैंने देखा, एकता कपूर के शोज देखे, मैंने कहे तो बचपन से देखती आ रही हूँ मैं इनके शोज. एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो अब तो मुंबई जाना है. मी एंड माय टू अदर फ्रेंड्स हम लोग मुंबई गए. वहाँ पे हम लोग मलाड में रहे. जब हम लोग गए थे वहाँ पे, हमारे पास रहने की कुछ जगह नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के घर पे हम लोग रहे थे. लिटरली गद्दे बिछा के नीचे हम लोग रहे थे एंड मैगी खा रहे थे, क्योंकि खाने के भी इतना कुछ था नहीं हमारे पास. एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कि मैंने एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया. शाम को पहुंचे, अगले दिन सुबह रिक्शा पकड़ा. उसके बाद मैंने रिक्शा वाले को बोला कि मुझे बालाजी ऑफिस लेके जाओ, तो वो मुझे ले गया बिकॉज एवरीबडी नोज. तो बालाजी ऑफिस गई, वहाँ पे जाके मैंने गेटमैन को बोला कि मुझे ऑडिशन देना है. तो वो बोलते कि ऑडिशन तो यहाँ पे होते नहीं है. तो मैंने उनसे पूछा कहाँ होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला क्लिक मिक्सन स्टूडियो में होता है. एंड देन मुझे उन्होंने एड्रेस लिख के दिया. मैं रिक्शा में बैठी, फिर मैं क्लिक मिक्सन स्टूडियो गई. वहाँ पे मैंने जाके ऑडिशन दिया एंड फिर उसके बाद जो मेरा पहला दोस्त बना था मुंबई का, समर प्रताप, ही वॉज अ फर्स्ट फ्रेंड. या ही वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड इन बॉम्बे. एंड समर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लाइक थ्रू आउट द ऑडिशन ऑल्सो, कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है. एंड देन उसने काफ़ी सारे लोगों को मेरा नंबर पास किया, काफ़ी लोगों के प्रोडक्शन हाउसेस का मुझे एड्रेस पास किया. उन सबको प्रिपेयर रखा कि अच्छा कृष्णा मुखर्जी है एक नई लड़की, वो आने वाली है. सो ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. सो फिर बस ऐसे ऑडिशन दे के फिर मुझे लगा कि नहीं यार मेरी एक्टिंग जो है बड़ी ओवर एक्टिंग सी है, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा. मैं लिटरली हर रोज़ ऑडिशन के लिए जाती थी, मैं बैठी रहती थी, सबको ऑब्जर्व करती थी और लास्ट में मैं ऑडिशन देती थी.
एंड आई यूज टू ईट वॉट वड़ा पाव पूरे दिन में, मैगी, ये सब जो जल्दी जल्दी खा के हम लोग वो कर सके, रात को जाके खाना बना के खुद खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं थे कि कोई कुक रखें या ये सब कुछ करें. एंड देन बहुत ऑडिशन दिए बालाजी के, बहुत ऑडिशन दिए, सम हाउ हुआ ही नहीं, कोई भी ऑडिशन मेरा काम ही नहीं किया. बट मैं टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे छोटा मोटा काम मिलता रहता था, छोटा मोटा इन द सेंस कि एज अ मेन लीड ओनली, बट कुछ ये जैसे एपिसोडिक्स होते थे, पहले बहुत ज्यादा आते थे, तो वो एपिसोडिक्स में मेरा काफी कुछ मेरे को काम मिलता रहा है. और मैंने बाय द वे सीआईडी भी किया है, सीआईडी सावधान इंडिया, एग्जैक्टली प्यार तूने क्या किया, एंड और भी ऐसे प्यार तूने क्या किया में तू और उर्फी थे ना? नहीं, वो बिग एफ था. Big F. हाँ, वो दूसरा था, मतलब काफी, मतलब ये छोटे मोटे, मतलब वो जो एपिसोडिक्स होते, लेकिन मेरा शुरू से था कि मुझे मेन करना है, कि यू नो आई वांट टू बी द मेन लीड. तो उसके बाद फर्स्ट एक मेरा जो एक वो था, आई रिमेम्बर मैंने एक प्रोडक्शन के लिए अपना ऑडिशन दिया था, एंड उस टाइम पे नहीं, तो मैं सावधान इंडिया के लिए शूट करी थी. सावधान इंडिया के लिए जब शूट करी थी तो मैं बाइक से गिर गई थी, मुझे बाइक स्कूटी चलानी थी, स्कूटी से गिर गई थी और मेरा पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, मतलब मेरा पैर इतना ज़्यादा सूज गया था. और मुझे दूसरे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि आपको अभी आना पड़ेगा, यू हैव टू कम फॉर द लुक टेस्ट, मतलब मोस्टली फाइनल कर रहे हैं आपको. और मैं लिटरली मैं हॉस्पिटल गई, मैं चप्पल नहीं पहन सकती क्योंकि मेरा पैर इतना बड़ा हो गया है. एंड उसके बाद मैं लिटरली हॉस्पिटल अकेले गई, वहाँ पे मैंने अपना बैंडेज वैंडेज करवाया, सब कुछ चेक करवाया, मेडिसिंस ली, पेन किलर लिया, एंड वहाँ से सीधा मैं गई बैंड्रा, वो जहाँ पे वो प्रोडक्शन हाउस था. एंड देन वहाँ पे मैंने पूरा दिन, मतलब दोपहर को गई थी वहाँ पे मैं, आई थिंक चार बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक, लिटरली एक पैर पे खड़े होके, क्योंकि एक पैर पे जोर नहीं डाल सकती मैं, मैंने पूरा लुक टेस्ट किया. एंड देन नेक्स्ट डे दे टुक मी टू अ मॉल कि यहाँ पे अलग अलग हम लोग स्टोर्स में जाएंगे, यहाँ पे कपड़े पहन के हम लोग ट्रायल करेंगे कि कौन सा लुक आप पे सूट कर रहा है. एक पैर पे चप्पल, एक पैर में चप्पल नहीं, एक पैर में पट्टी है मेरे, और मैं लिटरली ऐसे मैं सारा काम कर रही हूँ, लुक टेस्ट कर रही हूँ. एंड दिस वॉज फॉर सम शो, जी का कोई शो था विद वरुण सोबती, एंड ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, बट इट वॉज सो स्टूपिड, आई एम सो सॉरी, बट मैं उस टाइम पे मेरा दिल बहुत टूटा था, एंड मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, बट मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने मेहनत इतनी की थी. इसमें वो जिज्ञासा, नहीं नहीं, नॉट दैट वन, अच्छा ये अलग था. सो उनको मेरे स्किन से प्रॉब्लम थी, मेरे जो पोर्स थे उनको मेरे पोर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मेरा एक बार ट्रीटमेंट करवाया. ऑब्वियसली एक बार जब ट्रीटमेंट करवाते हो, इट टेक्स टाइम, पोर्स ऐसे गायब नहीं हो जाते हैं. अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ओवरनाइट एक बार ट्रीटमेंट करा के पोर्स गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, दोज पीपल आर स्टूपिड. देयर आर सो मेनी एक्टर्स, जो बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हैं, अब उनके पोर्स नहीं देख रहे कि मतलब ओ एक्टिंग यहाँ से नहीं करनी है, एक्टिंग यहाँ से करनी है, यू नो आपके एक्सप्रेशन एंड ऑल, आपकी बॉडी लैंग्वेज. एनीवे, तो मैं उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मतलब आपको ना पता लग जाता है कि आपस में जब सब बात कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग एट यू, आपको इतना ज़्यादा कॉन्शियस कर देते हैं कि यू नो आपको इतना लो फील कराते हैं कि नहीं यार ये फिट नहीं हो रही, इसकी स्किन की प्रॉब्लम है, ये है वो है. उसके बाद थैंक गॉड वो शो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दूसरी लड़की को लिया था और वो शो विद इन अ मंथ बंद हो गया था. उसके बाद आई थिंक एक महीने के बाद ही मेरा थपकी के लिए ऑडिशन दिया मैंने, एंड उसमें कि मतलब आई डोंट नो, इंडस्ट्री में थोड़ा ऐसा है कि मतलब एक लड़की थोड़ी कम दिखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, मतलब लाइक जिज्ञासा इज प्रिटी एंड ऑल यू नो, तो दूसरी लड़की बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, सिंपल. मतलब डबल लीड था क्या? नहीं नहीं, उसका एक सिस्टर का कैरेक्टर था, तो दे वर लाइक कि नहीं सिस्टर का कैरेक्टर में मतलब शी इज टू प्रिटी यू. हाँ अच्छा, तो मतलब पहले ऑडिशन दे दिया, सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे बहन, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, डू यू रिमेंबर? नो. तो मैंने बोला कि ठीक है, तो शूट स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ हो गया,
सब कुछ फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है तो मैं एक छोटा सा ट्रिप करके आती हूँ, अपने घर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं, उन्होंने बोला कि बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी आपको कोई भी, क्योंकि 30 डेज शूट होंगे, आई वाज लाइक ठीक है. तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे पास हफ्ता 10 दिन है, तो मैं लुधियाना चली जाती हूँ. लुधियाना जाके मैंने लिटरली आई वॉज गेटिंग रेडी, फ्रेंड्स को ट्रीट देनी थी, पार्टी देनी थी, क्योंकि मेरा मुझे शो मिल गया था. वाइल आई वॉज गेटिंग रेडी, लाइक लिटरली मुझे याद है मैं वो लिपस्टिक लगा रही थी और मुझे उनका फ़ोन आया एंड देवर लाइक कि कृष्णा मतलब वी आर रियली सॉरी बट आपका नहीं हुआ एंड फ्यूचर में हम ज़रूर काम करेंगे आपके साथ. एंड आई वॉज लाइक दिस इज सो एम्बैरेसिंग. मेरे सारे फ्रेंड्स, याद है तू भी थी वहाँ पे, हम सब रेडी हो रहे हैं कि यू नो पार्टी करेंगे, शो मिल गया इसको बहुत अच्छा वाला. मैं नहीं थी वहाँ पे. यू वर नॉट देयर? नो आई डोंट रिमेम्बर. मैं यहाँ पे थी ना, गुड़गांव में थी शायद, तू लुधियाना गई थी मे बी फिर, क्योंकि मुझे, मैं तो तब ऑफिस वगैरह आती थी तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी इतनी इजीली. तो बाकी मेरे फ्रेंड्स थे तो बहुत बुरा लगा मुझे एंड आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके. बट देन एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक अरे तो क्या हो गया, नहीं मिला तो क्या हो गया. बट अंदर से तो सबको बुरा लगता है ना, कि मतलब दे वर फीलिंग बैड फॉर मी, बट दे वर लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, पार्टी तो हम फिर भी करेंगे, चल इस बार ट्रीट हमारी. सो वो लोग मुझे बाहर लेके गए थे. ऋचा थी, मोक्षी थी एंड सो एनी वे मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे हार जीत तो चलती रहती है. एंड बाय द वे मतलब ये जो पार्ट है ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जब मैं आई थिंक भगवान ने मेरी कुछ और ही सुन ली थी. तो जब मैं थपकी के लिए ऑडिशन दे रही थी ना, तो हमारा वो था मॉक शूट होता है, तो मॉक शूट में सारे कैरेक्टर्स आते हैं, प्रॉपर घर में शूट होता है, वो भी एक ऑडिशन की तरह होता है बट थोड़ा हायर वर्जन होता है उसका. तो मॉक शूट हो रहा था हमारा क्लिक निक्सन में, और क्लिक निक्सन में शूट होता था YHM, ये है मोहब्बतें का. एंड मतलब जब मैं यहाँ पे गुड़गांव में रहती थी, तो बड़ी मम्मा के साथ, जो सुमित की मम्मा है, हम सब बैठ के ये मोहब्बतें, इकलौता शो था जो शायद, मतलब हम अगर बैठ के देखते थे ना तो हमें अच्छा लगता, क्योंकि हम तो नहीं देखते थे टीवी सीरियल्स, डेली सोप नहीं देखते थे, बट मेरी मदर इन लॉ जरूर देखते थे. और अगर वो देख रहे हैं और हम बैठ जाते थे ना उनके साथ, तो एक लौता शो था कि जो मतलब ऐसे नहीं होता कि यार सिर पकड़ के मैं दीवार पे कहाँ मारूं, वैसे वाले शोज नहीं थे. तो आई वाज लाइक यार ये शो एक्चुअली अच्छा है, द एक्टर्स आर सो गुड. आई यूज्ड टू लव दिव्यांका, आई यूज्ड टू लव करण पटेल इन हिज एलिमेंट, और हम लोग यही इकलौता शो था जो हमने एक्चुअली देखा था. हम लिटरली बैठ के देखते थे. और देखो याद है रूपा, बड़ी मम्मा ने कहा था कि टिड्डी ऐसा कुछ करना, ये शो मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कुछ करना. माय गॉड. तो मैं ऐसे हो गई कि मतलब, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑडिशन वगैरह देती थी ना, तो कहते टिड्डी कुछ ऐसा कुछ करना है यार, ये मुझे शो बहुत पसंद है. एंड देन आई वाज लाइक क्या मतलब, ये कहाँ, कितने बड़े लोग ये नो. तो एनीवे बैक टू क्लिक निक्सन. तो मैं ऑडिशन दे रही थी और मतलब मुझे एक छोटी सी ब्रेक मिली थी, तो मैं बाहर खड़ी हुई थी और मैंने बाहर से ना मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी, और मैंने बाहर से देखा दिव्यांका त्रिपाठी को जाते हुए. And I was like, ये तो इशिता है. I was like, नहीं मुझे मिलना है, इसको मिलना है. एंड उस टाइम पे नीना जी वगैरह सब बाहर बैठे हुए थे, उनकी ब्रेक थी और दिव्यांका मतलब 7 बजे निकल जाती थी उसका, वो 7 to 7 टाइम का. एंड देन आई वॉज लाइक नहीं मुझे मिलना है. एंड देन जो वहाँ पे मतलब जो क्रिएटिव था, तो वो बोलते कि इट्स ओके, ये लोग अभी यहीं पे हैं, बाद में मिल लेना. तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो चली गई. मैं कहा चलो कोई नहीं, काम कर लेंगे कभी साथ में. आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, आई हैव नो आइडिया कि चलो कोई बात नहीं, मिल तो नहीं पाई पर काम कर लेंगे कभी. एंड लाइक कुछ दिन बाद पता चला कि मेरा थपकी में नहीं हुआ. And I got a call for ये है मोहब्बत है. एंड उस टाइम पे भी ऐसा था कि goosebumps आ रहे हैं. और उस टाइम पे भी ऐसा था कि एकता चाहती थी कि मैं उनका दूसरा शो करूं. वो कौन सा शो था यार, God, I forgot the name of that show. So, एक शो था जिसमें उनकी जो मेन लीड थी वो रिप्लेस कर रहे थे, और संदीप सर चाहते थे कि मैं इसका ऑडिशन दूँ, मतलब मैं ये वाला शो करूँ.
तो लिटरली मैं एक हफ्ते के लिए हर रोज क्लिकनिक्सन एसजी स्टूडियो, क्लिकनिक्सन एसजी स्टूडियो, मैं ये दोनों स्टूडियोज में जाती थी, एक बार इसका ऑडिशन देने, एक बार इसका ऑडिशन देने, इसका लुक टेस्ट, उसका लुक टेस्ट. सो मैं लिटरली एसजी स्टूडियो से क्लिकनिक्सन, क्लिकनिक्सन से एवरी डे मेरा वो होता था, लुक टेस्ट होता था. एंड ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको कौन से शो में डालना है. और फिर मैंने एक टाइम के बाद गिव अप कर दिया कि मतलब यार होगा कि नहीं होगा, पागल बना रहे हैं. एवरी डे आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी और मैं रिक्शा करके जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे पैसे का भी ध्यान रखना पड़ता था इतना ज़्यादा. क्योंकि मतलब जो हम लोग काम करते थे कितना ही पैसा मिलता था ना उसका. तो उस टाइम पे मॉम आए थे यहाँ पे एंड मेरी मासी जी आई थी कलकत्ता से और दोनों को जाना था शिरडी. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं भी जाऊँगी शिरडी. सो मेरी मासी जी और मम्मा के साथ मैं शिरडी गई थी. और मुझे याद है मैं पूरी रात मैं सोई नहीं थी. साईं बाबा के साथ जो मंदिर है वहाँ पे साईं बाबा के चरण बने हुए हैं, वहाँ पे चांदी के चरण बने हुए हैं. तो लिटरली वहाँ पे ऑयल रखा, तो मैं पूरी रात मैंने ना बाबा के चरणों में ऑयल लगाया. और मतलब मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे, मैंने बिल्कुल दिमाग में आया ही नहीं कि मैं उनसे मांगू कि हाँ मुझे ये शो मिल जाए, कुछ मिल जाए. पर शायद मम्मा, यू नो, मॉम वाज आस्किंग कि बहुत मेहनत कर रही है, देखा इसको दो तीन बार जाते हुए. लिटरली सूटकेस लेके जाती थी मैं हर बार, क्योंकि लुक टेस्ट में क्या होता है कि आप अपने कपड़े पहनो तो ज़्यादा बेटर है. उसके बाद अगले दिन हम लोग निकल गए थे. तो जैसे अर्ली मॉर्निंग, अगले दिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, मुझे इनका फ़ोन आ गया कि आप 2 बजे तक आ जाओ, आज फाइनल है. आई वाज लाइक कि फिर से ये पागल बना रहे हैं मुझे, एक हफ्ता 10 दिन से घुमा रहे हैं ये लोग. तो बोलते कि अपना ना कपड़ों का सूटकेस ले आओ. तो वहाँ पे जब मैं गई, उन लोगों ने मुझे बोला कि कपड़े दिखाओ कौन कौन से हैं. मैंने फिर वही दिखाए, कपड़े चेंज वगैरह किए, सब कुछ किया. एंड देन दे बोले कि ये रही स्क्रिप्ट. आई वाज लाइक क्या कहते हैं, आपका सीन लगने वाला है थोड़ी देर में, सो जस्ट यू नो आप अपना सीन पढ़ लो. आपका दिव्यांका त्रिपाठी के साथ पहला सीन है. अम्मा, आलिया, यू कैन नॉट डू दैट, सॉरी. एंड मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे उस टाइम पे दिव्यांका त्रिपाठी के साथ. यहाँ यू रिमेम्बर. एंड लिटरली उस टाइम पे ऐसा चल रहा था ये है मोहब्बतें में कि आज शूट हुआ कल टेलीकास्ट. मतलब मुझे ऐसा हो गया कि सॉरी आज ही शूट करना पड़ेगा क्योंकि टेलीकास्ट कल है. तो आपस में इन लोगों की बात चल रही थी. मैंने कहा क्या कल टीवी में आ जाएगा, मैं दिव्यांका त्रिपाठी के साथ देखूंगी, कल टीवी में आ जाएगा. तो मम्मा को फ़ोन कर रही हूँ, मम्मा कल टीवी देखना, ये वो ये सबको फ़ोन कर रही हूँ. उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पे सीन के लिए गई, दिव्यांका को देखा एंड दैट स्माइल ऑन अ फेस, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई एम लिटरली शूटिंग विद दिव्यांका, जो मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि चलो मिल नहीं पाई लेकिन साथ में काम कर लेंगे, भगवान ने इतने जल्दी पूरा कर दिया. लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. बट उसके बाद मतलब फिर वो इंस्टाग्राम पे आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे कुछ 3000 कुछ वो थे, 2000 पता नहीं, 3000 कुछ 1800 फॉलोअर्स थे, 1800 फॉलोअर्स थे. और वो उसके बाद मेरे दर 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 करके ऐसे बढ़ रहे थे, ऐसे बढ़ रहे थे. बट आई वॉज लाइक ओ माई गॉड कि किस शो का पार्ट बन गई है. एंड मुझे अभी भी याद है, हम लोग शाम को, मैं ऑफिस जाने से पहले मैंने अपनी कैब मिस करी थी उस दिन. आई वॉज लाइक मुझे नहीं आज कैब में जाना, आप छोड़ के आओगे, बट आई कैन नॉट मिस दिस, क्योंकि मेरा उस टाइम भी ऑफिस का टाइम होता था. एंड मतलब मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी, सो नेचुरल, कि यार ये क्या है, लाइक अलग ही लग रही थी यार स्क्रीन पे, सीरियसली. बट वॉट अ जर्नी यार, मतलब ऑनेस्टली आई सर चीज़ें मैंने, मुझे भी पता नहीं था इतनी डिटेल में, मुझे नहीं पता था बहुत सारी बातें, मतलब जैसे जो ऑडिशंस जैसे दिए, एक पैर पे खड़े होके, पैर टूटा हुआ लेके, आई मीन मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे, दैट या शी हैज़ डन हार्ड वर्क बट शी हैज़ बीन लकी ऑल्सो, बिकॉज बहुत लोग जाते हैं एंड इट इज़ ट्रू, लक भी चाहिए. क्योंकि मेरा खुद का एक फ्रेंड है यार, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज़ देयर, इसके साथ जो इसके फ्रेंड्स गए थे कई, अभी भी उन लोगों ने अपना करियर वहाँ पर चेंज कर लिया. बहुत लोग हैं जो गए हैं इन मुंबई में अपने सपने पूरे करने, एंड कितने काउंटलेस ऑडिशंस दिए होंगे उन्होंने भी, तो लक तो आई गेस चाहिए होते ही है. बट व्हाट आई फील इज कि मतलब यहाँ पे हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनिफेस्टिंग समथिंग, इंस्पायर्ड एक्शन बहुत ज़रूरी है.
कि आप, वो कहते हैं ना, नहीं तो आप ख्याली पुलाव ही बना रहे हो बस, अदरवाइज वो कुछ नहीं है आपके, वो ख्याली पुलाव ही रहते हैं अगर आपने उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया. एंड विद बट आफ्टर लिसनिंग टू हर टूडे आई कैन टोटली से कि उसका जो हार्डवर्क था ना, आपका हार्डवर्क बीट्स टैलेंट एंड एवरी थिंग, इवन लक भी. बट हाँ, कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क और लक भी चाहिए होता है. हार्डवर्क जो है वो समटाइम्स इट बीट्स टैलेंट, एंड यू वर टैलेंटेड ऑल्सो. एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ पे ना एक इंटेंशन और इनोसेंस होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा स्कीम एंड स्ट्रेटजाइज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हो चीज़ों को, एंड यू जस्ट डू इट विद योर हार्ट, वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है जहाँ पे आप प्योर इंटेंशन के साथ कुछ करते हो. क्योंकि आप अब अपना जब बेस्ट दे रहे हो ना, लेकिन आपका माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, या कुछ कर रहा है, या प्लानिंग कर रहा है, स्कीम बना रहा है, स्ट्रेटजाइज कर रहा है, आप शायद आपकी स्ट्रेटजी की वजह से आप कहीं शायद पहुंच जाओगे, लेकिन आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो सच्चाई है, उसकी वजह से आप बहुत दूर जाओगे. एंड देन गॉड ऑलवेज डज वॉट इज बेस्ट फॉर यू, जैसे इसके केस में हुआ. जो भी इसके लिए सबसे अच्छा था, आज तक हम देखते आए हैं कि मतलब माई लाइफ में एक्चुअली जो हमारे लिए जो चीज़ सूटेबल बेस्ट है उस टाइम पे, वही हुई है. यू आर एक्चुअली वेयर यू आर सपोज टू बी, चाहे आप यू आर लर्निंग सम लेसन. अगर मुझे ही देख लो, आफ्टर आई गॉट मैरिड, मुझे बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे भी, जैसे उसके ड्रीम्स थे वैसे मेरे भी ड्रीम्स थे, और बहुत कुछ करना था अचीव मुझे. एंड कहाँ थी मैं, कॉर्पोरेट जॉब में थी, शादी हो गई. एंड क्योंकि मैं उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी कि मुझे ये चाहिए, और मतलब जो कहते हैं ना, वट एवर समटाइम्स वट यू फियर इज वट यू अट्रैक्ट ऑल्सो. तो मुझे जैसे नहीं करनी थी उस टाइम पे शादी, या मुझे एक्चुअली पता है कि ये बचपन से बोलती थी कि आई वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी करनी है, एंड आई वॉज द ऑपोजिट. तो देखो कि वो हुआ जो हम रिजिस्ट कर रहे थे, जो चीज़ें हम रिजिस्ट कर रहे थे, विच इज़ वाई दे से स्टॉप रिजिस्टिंग थिंग्स, स्टॉप रिजिस्टिंग, बिकॉज एक्चुअली थिंग्स दैट यू रिजिस्ट द मोस्ट यू गेट इट समटाइम्स. इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी ऑल्सो, 5 years आई केप्ट क्रिबिंग इन माई ऑफिस. एवरी वन नो, स्पेशली जिन जो मेरे कॉलिग्स हैं, जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं काम करती थी, कि यार मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना था अपनी लाइफ में, मैं क्यों इसमें पड़ी हुई हूँ, आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन. लाइक क्योंकि अगेन आई एम मैरिड, एंड यू नो आई वाज अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और जब आपकी वो जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल है कि उसको छोड़ के. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, आपका रेंट जा रहा है, आपके फैमिली प्लानिंग का भी चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि ऑलरेडी शादी को 2-3 साल हो चुके थे. तो मुझे दिख रहा था कि लाइफ मुझे किसी और ही स्ट्रीम पे लेके जाना चाहती है. एक टाइम के बाद ना आई गेव अप, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट मी डू द बेस्ट, लेट मी गिव माय बेस्ट वेयर आई एम टुडे. एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई स्टार्टेड वर्किंग एट एऑन, वो मेरा जो लास्ट ऑफिस था. एंड ऑनेस्टली बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे मुझे एक्चुअली मज़ा आया भी काम करके. एंड आई गेव माय बेस्ट, आई गेव माय 100%, आई यूज़ टू टेक इनिशिएटिव्स, आई यूज़ टू डू थिंग्स. किसी ने नहीं मुझे बोला ये सब करने के लिए, लेकिन मैं खुद कर रही थी, एंड मुझे उसका रिजल्ट भी दिख रहा था. मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, वो मेरी ड्यूटीज़ नहीं थी, किसी ने नहीं मुझे बोला था, बट मुझे अच्छा लग रहा था दैट आई एम डूइंग समथिंग नाइस, आई एम डूइंग समथिंग क्रिएटिव, एंड आई वॉज फीलिंग गुड दैट यू नो, या तो आप रोकर ऑफिस चले जाओ, या आप हंस के करो जो आपको आपको मिला है, जो आपका एक्चुअली जो कर्म आपको दिया गया है, या तो आप हंस के निभा लो, या आप रो के निभा लो. In fact, I was due a promotion first time in my life, because उससे पहले तो मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी. Honestly, I was like, मैं हर थोड़े टाइम में ऑफिस चेंज कर लेती थी, सीरियस नहीं थी अपने काम को लेकर. But you gave your best. Last में I gave my best, and then I finally conceived. So I was like, नहीं, मुझे I want to take a break from my corporate career. I want to give 2 years to my child, and then once he grows up, then देखेंगे क्या होता है. Like literally कुछ नहीं सोचा, कुछ plan नहीं करा, देखेंगे जो होता है. वो रुद्राक्ष को देख के ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना एक अलग ही एनर्जी मिलती थी उसको देख के. उसके साथ मुझे मन करता था कि मैं ये करूँ. लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो मैंने उसकी जो कार्ड
पूरी बनाई थी, मतलब डेसर्टिंग थिंग्स, मुझे बेबी शावर करना था, मुझे उसका फर्स्ट फोटोशूट करना था, आई बॉट अ कैमरा, आई डिड फोटोशूट्स, आई स्टार्टेड अपलोडिंग. मैंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करी थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इनिशियली तू चीज़ें बाय करके एंड देन तू उसके रिव्यूज वगैरह डालती थी, यू यूज्ड टू मेक वीडियोस एंड ऑल. तो आई नेवर मैनिफेस्टेड ऑल दिस, बट दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज देयर वाज एफर्ट, देयर वाज इंस्पायर्ड एक्शन. तो वो मैंने हमेशा देखा है कि व्हेनेवर यू पुट योर 100% इनटू समथिंग, यू डू इट विद ऑल योर हार्ट, It always repays. लेकिन expectation मत रखो कि हाँ मैं इसलिए कर रही हूँ. Like I said, whatever I was doing for Rudraksh, मेरा कोई intent नहीं था कि मुझे इसमें content बनाना है और मुझे you know I'll gain followers, मेरा या I'll start monetizing it, मुझे पैसे कमाने हैं. I had none of that intention. But it so happened that all that whatever I was doing is started getting channelized in form of energy and money started coming in my life. And then matlab within Rudraksh is very lucky for you. He was my life actually. My life actually changed after he was born. All those things matlab shayad us Sumit kehta ki uski kismat mein tha to usko mil raha hai wo sab kuch. And sach mein ye baat sach hai ki usko whatever I wished for him always comes. And within few months I was making way more money than I was making at my job within few months. And Sumit was like ki yaar wow, tum dono sisters ne na matlab mujhe itni baar galat prove kiya ki matlab he's not the dreamer type at all. He's like tum log bahut dream karte ho, aise karte ho, he's kind of a practical guy ki acha practically possible nahi hai. Now he's not. But उसके सामने वो इतनी बार वो गलत प्रूफ हुआ that he has started believing कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं. Because I remember जब कृष्णा को मुंबई जाना था and she wanted to do TV, so वो कहते थे कि हलवा है क्या तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि मुंबई जाएगी वहाँ पर एक्टिंग. I still remember that argument with him. It was like तुम लोग अपने ही ख्यालों में रहते हो, तुम्हें लगता है कि ये सब हो जाएगा, कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक नहीं है. And when this all happened, it was like okay, I couldn't be more wrong. Yeah. And so yeah, I mean of course ये चीज़ें होती हैं यार, मतलब चाहे आप manifest करो चाहे नहीं करो, मेहनत बहुत ज़रूरी है. And एक goal मतलब एक vision होना चाहिए. मेहनत के साथ मुझे लगता है कि एक vision होना चाहिए. Vision होना चाहिए और एक belief होना चाहिए that you can do it. Yes. You will have it, no matter what. चाहे कितना भी मतलब life चाहे मतलब मेरी भी लाइफ में भी कुछ एक दो साल में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरे शो के पैसे नहीं मिले, आई वाज इन डिप्रेशन एंड ऑल. लाइफ चाहे कितना भी आपको नीचे गिरा दे लेकिन ऑब्वियसली यू विल बाउंस बैक. लेकिन वो जब नीचे गिराते हैं आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं. एंड आई हैव लर्नड मेनी लेसन्स, लाइक राइट नाउ आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज. मुझे बहुत मजा आता है वीडियोज बनाने में. हर कमिंग ईयर मैं कुछ टाइम से इन माई लाइफ आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर सम हाउ आई वॉज नॉट गेटिंग दैट इंस्पिरेशन और एनर्जी टू मेक वीडियोज, टू मेक कॉन्टेंट. नहीं आ रहा अंदर से नहीं. टूडे आई मेड अ गेट रेडी विद मी वीडियो एंड आई वॉज जस्ट सेइंग द सेम थिंग दैट यू नो आई एम नॉट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई यूज टू कम लाइव वेरी ऑफन, आई यूज टू डू मतलब टॉक टू स्टोरीज, आई वॉज टू इंटरैक्ट विद माई ऑडियंस. बट ऑल ऑफ दैट बिकॉज मे बी यू नो यू आर एट अ स्पेस वेर वेर यू आर नॉट मेंटली इन दैट फेज वेर यू नो यू कैन रियली बी योर बेस्ट. एंड आई थिंक समटाइम्स यू शुड अलाउ योर सेल्फ, यू शुड नॉट फोर्स योर सेल्फ कि नहीं करो 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 करो. नहीं, अगर आपको लगता है ब्रेक चाहिए टेक दैट ब्रेक, क्योंकि वो ब्रेक बहुत जरूरी है. डोंट फोर्स योरसेल्फ. ये मत देखो कि ओ शिट लुक एट दैट पर्सन, उसके तो इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, उसको तो इतने कंटेंट बना रही है वो. ये मत देखो, ये सब अपना देखो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. डू यू नीड अ ब्रेक? एग्जैक्टली. आई रिसेंटली रेड समवेयर एंड आई फर्मली बिलीव इन इट, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट देन यू विल गो अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार then you need people and your mental peace. But anyway guys, I think bahut lamba ho gaya podcast, but it was all I think it had to be. yeah
कहते ना पील द अनियन, सो यू हैव टू, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं. इंग्लिश इंग्लिश, मेरी बहन बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती है. सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट. ये हम दोनों की लाइफ की स्टोरी जर्नी. एक्चुअली बहुत टाइम से मैं लोगों को बताना चाहती थी, काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे, एंड आई रियली वांटेड टू शेयर माय स्टोरी विद एवरीवन कि मैंने कैसे स्टार्ट किया. एंड यू नो आज मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब मेरी वीडियोस देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो, सो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल फॉर दैट. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज इसको भी बोलो जल्दी से अपना यूट्यूब में कम बैक. शी हैज अ चैनल पंजाबी, या वो भी दैट इज अनदर पार्ट ऑफ यू नो टेकिंग इट स्लो, बिकॉज आई मुझसे नहीं हो पा रहा था. 2022 में मैंने स्टार्ट किया था. बट नाउ यू सिट यू विल. हाँ मैं वही कह रही हूँ कि मतलब मैं इसको एक्चुअली मैं वही बोल रही थी. हाँ आई वॉज सेइंग दिस दैट इसको देख के द वे शी इज सो पैशनेट, द वे शी इज सो यू नो इन टू हर गेम दीज डेज, कि मतलब हाँ यार बनाना है ये रील बनाना है ये शॉर्ट बनाना है. आई वॉज लाइक शिट यार ये मेरा कहाँ गया, लाइक यू नो दिस पैशन दिस थिंग दैट फायर वेयर इज इट. तो इसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है वापस से, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मतलब गुड़गांव में आई हूँ कुछ दिन के लिए. वी आर लिटरली हीलिंग ईच अदर. मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो थी, एंड आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए तो भगवान ने इधर भेजा है. यस, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम डाइपर्स एंड लिपस्टिक्स.